हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी तक इंग्लिश ट्यूटोरियल। बच्चों उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों पेपर सॉल्विंग के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम 2019 का। तो आइए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं जो की है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। क्वेश्चन है बच्चों, वी हैड नेवर सीन सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजार्ड फुल स्टॉप द विंड स्पीड वाज 130 km पर आवर। कह रहे हैं बच्चे, हम बच्चों ये कह रहे हैं कि हमने आज तक ऐसा स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत जो है, इतना तेज ब्लिजार्ड तूफान आज तक हमने नहीं देखा। तो बच्चों यहाँ पे सो का सेंस टू मच के, सो का यूज टू मच के सेंस में होता है बच्चों, बहुत ज्यादा। जबकि ये कहना चाह रहे हैं ऐसा, ऐसा का सेंस, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सच का प्रयोग करेंगे बच्चों। सो के स्थान पर सच का प्रयोग होगा। अब सच का दो ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सच के साथ हमेशा, सच के बाद हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। ये कंस्ट्रक्शन है बच्चों, जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाता है कि सच के बाद हमेशा आर्टिकल अ और एन का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यहां पे स्ट्रांग है जो कि एक कंसोनेंट से शुरू होने वाला वर्ड है, तो यहां पे ए का प्रयोग कर देंगे। तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, करेक्ट सेंटेंस होगा, वी हैड नेवर सीन सच अ स्ट्रांग ब्लिजार्ड, मतलब ऐसा हमने कभी नहीं देखा, सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजार्ड। तो इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों क्लोज टेस्ट का। कनाडा इज थ्री टाइम्स ऑफ साइज, कनाडा इज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया डैश इट्स पॉपुलेशन इज ओनली 26 मिलियन। पहला ऑप्शन होगा बच्चों कि कनाडा तीन टाइम, मतलब तीन गुना बड़ा है इंडिया से, परंतु बट, यहां पे बट का प्रयोग होगा बच्चों, इसकी पॉपुलेशन जो है, इसकी जनसंख्या वो 26 मिलियन है, केवल 26 मिलियन है। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, द एवरेज डैश पॉपुलेशन इज लेस देन 3%। यहां पे लेस देन 3% है और पॉपुलेशन आया है, इसका मतलब ये जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डेंसिटी, मतलब जो सामान्य जनसंख्या घनत्व है वो 3 से भी कम है पर स्क्वायर किलोमीटर की। उसके बाद है बच्चों डैश कनाडा, तो निश्चित रूप से कनाडा की बात हो रही है, कनाडा में का बात हो रहा है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर इन होगा, इन कनाडा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली क्या है बच्चों, अनइवन है, इवन और अनइवन, सामान्य असामान्य, मतलब ऐसा नहीं कि प्लान्ड डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं, मतलब सारे जगह लोग बराबर नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। नियरली 80% ऑफ द पीपल डैश इन नैरो बेल्ट, तो यहां सीधे सीधे लीव होगा बच्चों, 80% के आसपास लोग क्या करते हैं, रहते हैं, कहां रहते हैं, नैरो बेल्ट में, सकरे स्थान पे। इस तरह से बच्चों आपका क्लोज टेस्ट सॉल्व हुआ। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिसॉल्व अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट रिसॉल्व करने के लिए बच्चों जिसे नियुक्त किया जाता है उसे कहते हैं बच्चों आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ। जब दो लोगों के बीच में विवाद होता है तो एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है उस विवाद को सॉल्व करने के लिए, उसे कहते हैं बच्चों आर्बिट्रेटर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है idioms आउट ऑफ वुड, मतलब होता है बच्चों नो लॉन्गर इन ट्रबल, मतलब आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ वुड मतलब होगा बच्चों आउट ऑफ डेंजर, मतलब नो लॉन्गर इन ट्रबल, मतलब अब वो खतरे में नहीं है, इसका मतलब खतरे से बाहर, खतरे से बाहर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा है बच्चों, They did not see you. Is it? ये बच्चों है क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन टैग का बच्चों है, और ये कह रहा है They didn't see you. Is it? दो कंडीशन होती है बच्चों। पहला तो ये होता है कि यदि आपका क्वेश्चन जो है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो इसका टैग जो है वो निगेटिव होगा, तो इस कंडीशन पे ये वाक्य सही है, क्योंकि अगर ये आपका सेंटेंस निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि है। मगर दूसरा कंडीशन क्या होता है बच्चों कि टैग भी उसी सेंटेंस का होगा, उसी टेंस का होगा जिस टेंस का आपका क्वेश्चन होगा। तो यहां डिड नॉट का प्रयोग हुआ है बच्चों, डिड नॉट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, यहां पे इसका प्रयोग नहीं होगा,
किसका प्रयोग होगा? डिड का प्रयोग होगा। डिड और सब्जेक्ट चूंकि वाक्य का दे है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी दे होगा। इस तरह से हमें मिलेगा करेक्ट आंसर टू, सेकेंड नंबर ऑप्शन डिड दे करेक्ट आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एंटोनिम्स, और किसका एंटोनिम्स पूछ रहा है? कॉमिक का। कॉमिक का एंटोनिम्स होता है बच्चों, कॉमिक मतलब होता है हास्य, और ट्रेजिक मतलब होता है दुखद। ट्रेजिक मतलब होता है बच्चों दुखद। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ ड्रैग। ड्रैग का सिनोनिम्स पूछ रहा है बच्चों, और ड्रैग मीन्स होता है खींचना। ड्रैग मीन्स होता है खींचना, और पुल मतलब भी होता है खींचना, पुल। अब जब आप बैंकों में या मॉल में जाते हैं बच्चों, तो वो शीशे वाले दरवाजे लगे होते हैं, तो उसमें पुश या पुल लिखा होता है। तो पुल मतलब खींचना, अगर खींचने से खुलेगा तो लिखा होगा पुल, और अगर दबाने से खुलेगा तो लिखा होगा पुश। तो पुल और पुश, वहीं से आपका ड्रैग आया है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों जंबल्ड सेंटेंस, और ऑप्शन में हमें मिल रहा है सी ए डी, मतलब या तो सी से शुरू होगा, या तो ए से, या तो डी से। अब चूंकि दो ऑप्शन सी से हैं, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी सी से ही शुरू हो रही। आइए सीधे सीधे सी पढ़ते हैं, सेंस मिलेगा। द यूएसए कंसिस्ट्स ऑफ 50 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवाई। बच्चों ये नहीं होगा, इससे दूसरा डी वाला जो वाक्य है ये और ज्यादा सेंस अच्छा दे रहा है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म दे दिया, मगर यहाँ पूरा फुल फॉर्म दिया है और ब्रैकेट में लिखा यूएसए, मतलब यूएसए के बारे में यहाँ बताया है। इसका मतलब यही आपका स्टार्टिंग सेंटेंस होगा, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इसके बाद सारे वाक्य में ये हम यूज करेगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप समझ गए हैं इसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री, मतलब ये जो है चौथा सबसे बड़ा देश है, चौथा सबसे बड़ा देश है। वैसे भी डी आपको एक ही ऑप्शन है, वैसे भी ये डी टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे, मगर आइए देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है चौथा सबसे बड़ा देश है। अब इस देश की भौगोलिक स्थिति बताएगा कि ये सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि स्ट्रेचेज फ्रॉम ये फैला हुआ है कहां से? अटलांटिक ओशियन से लेके पैसिफिक ओशियन तक, मतलब अटलांटिक महासागर से लेके ये प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। उसके बाद सी आएगा, और ये जो है कितने स्टेट इसमें आते हैं? कंसिस्ट 50 स्टेट इसमें है, और उस स्टेट में और क्या शामिल है? अलास्का है और हवाई। अलास्का और हवाई द्वीप को लेते हुए 50 स्टेट है यूएसए में, और लास्ट में आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सेंटेंस आएगा, इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्री, जो है बहुत ज्यादा विकसित देश है। इस तरह से आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है स्पॉटिंग एरर का। वी विल रेस्ट फॉर समथिंग व्हेन वी विल रीच द टॉप, मतलब ये फ्यूचर के दो कंडीशनल क्लॉज है बच्चों, और हमने बताया है जब दो इस तरह से जब कंडीशनल क्लॉज आते हैं, दो फ्यूचर में होने वाली घटना है, तो जो कंडीशन के साथ जुड़ी हुई है, जैसे व्हेन वी विल रीच, इसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, और दूसरे वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको दिख रहा है सीधे सीधे, ये वाक्य तो सही है बच्चों, मगर ये व्हेन के साथ चूंकि जुड़ा हुआ है कंडीशन के साथ, तो ये सिंपल प्रेजेंट में होगा व्हेन वी रीच, और यहाँ पे When we reach the top होगा, चूंकि स्पॉटिंग एरर खोजना है हमें, तो हम यहाँ पे देखेंगे when we will यहाँ पे नहीं होगा, सीधे सीधे when we होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है कि 14 नंबर, और ये भी ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है बच्चों। द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पेशीज, मतलब बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि इसकी मूल निवासी नहीं है, लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग, चूंकि यहाँ पे स्पेशीज प्लूरल नंबर नाउन है, तो यहाँ पे दैट आर अफेक्टिंग होगा बच्चों, दैट इज अफेक्टिंग नहीं होगा। इस तरह से आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है सिनोनिम्स खोजना है किसका? एनगल्फ का। गल्फ मतलब होता है बच्चों किसी चीज को ढक लेना, कवर कर लेना, और इनका करेक्ट सिनोनिम्स होगा बच्चों एनवलप, मतलब एनगल्फ मतलब निगलना भी होता है बच्चों, तो इस तरह से एनवलप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमको एंटोनिम्स खोजना है बच्चों किसका? गेदर का। गेदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, और डिस्पर्स मतलब होता है बच्चों फैला देना, बिखरा देना, तो गेदर का एंटोनिम्स हो जाएगा बच्चों डिस्पर्स। गेदर मीन्स इकट्ठा करना, डिस्पर्स मीन फैला देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में रॉन्गली स्पेल्ट हमें सेलेक्ट करना है, और इसमें रॉन्गली स्पेल्ट है सेकेंड नंबर ऑप्शन हेजिटेट, यहाँ पे एच ई एस आई होता है बच्चों हेजिटेट, ए की जगह ई का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका वो है पॉजिटिव फॉर्म, करेक्ट पैसिव फॉर्म, करेक्ट पैसिव फॉर्म, और पैसिव फॉर्म खोजना है किसका? आइए देखते हैं, सेंटेंस है सो दीज विजिटर द वाटर फ्लाई
फॉर्म। इंपरेटिव सेंटेंस है बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस है सो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फ्लाई फॉर्म। तो इंपरेटिव सेंटेंस या तो लेट से बनेगा या तो शुड से बनेगा बच्चों। तो देखते हैं पहला ऑप्शन दीज विजिटर शुड बी शोड नहीं होगा बच्चों, सो का थर्ड फॉर्म सोन होता है, सो का थर्ड फॉर्म सोन होता है। सेकेंड ऑप्शन में थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए सेकेंड भी नहीं होगा। बच गया थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ सोइंग का प्रयोग हुआ है। सीधे सीधे थर्ड ऑप्शन से ही आपका करेक्ट आंसर मिल गया, बस आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करिए, करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे भी लेट से शुरू है, लेट दीज विजिटर्स बी सोन दैट बटरफ्लाई फॉर्म। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, जम्बल्ड सेंटेंस इसे करेक्ट ऑर्डर में हमें सेट करना है बच्चों। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं पहला ही वाक्य, व्हाट वाज सपोज टू बी अ हॉलीडे of a lifetime turned into a dangerous experience for 300 passengers on a cruise ship off the coast of Norway। निश्चित रूप से स्टार्टिंग सेंटेंस यही होगा बच्चों, क्योंकि ये कह रहा है कि कोई कल्पना किया था कि एक हॉलीडे जो है वो बदल जाएगा एक खतरनाक अनुभव के रूप में लाइफ टाइम के लिए, जब एक जो पैसेंजर क्रूज है जिसपे 1300 लोग सवार हैं वो क्या कह रहा है, वो नॉर्वे के उसमें एक बार डेंजरस एक्सपीरियंस होगा, मतलब वो कहीं फंस जाता है। अब कहां फंसता है इसके लिए हमें मिलेगा ए के बाद, आप देखते हैं सी मिलेगा बच्चों, द शिप ब्रोक डाउन इन रफ सी। कह रहे हैं कि क्या हुआ, ये ब्रोक डाउन जाके टूट गया, मतलब वहां पे जाके टकरा गया, ब्रोक डाउन रफ सी हाई स्पीड विंड, एक जो बहुत ज्यादा जो है तेज जो है चक्रवाती हवा चल रही है कि वहां जाके फंस गया, एंड कास्ट रॉक हैवीली फॉर्मी साइड टू साइड, मतलब सीधे सीधे ये कह रहे हैं जाके वहां टकरा गया। तो ए के बाद हमें सी मिल रहा है बच्चों, और सी हमें आपका ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। इसके बाद बी आएगा, द नॉर्वेन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इवैक्यूएट, जब जाके वहां फंस गई सी तब जो है उसको क्या करना होगा, पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जाएगा। और फिर लास्ट में आएगा बच्चों इवैक्यूएशन के बाद क्या है, फ्रॉम फर्स्ट 371 इवैक्यूएटेड पैसेंजर्स 17 had to be taken hospital, और कह रहा है फिर पैसेंजर को इवैक्यूएट किया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है idioms का बच्चों, butterflies in stomach, इसका मतलब होता है नर्वस होना, और फोर्थ नंबर ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन है, बीइंग नर्वस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स का, द नेशनल वॉर मेमोरियल इज आवर आर्म फोर्सेज, नेशनल आम मेमोरियल जो होता है बच्चों वो डेडिकेटेड होता है, डेडिकेटेड किसके लिए, हमारे जवानों के लिए डेडिकेटेड होता है, इसलिए डेडिकेशन आपका डेडिकेटेड करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल जो है उसको ब्रूड कहते हैं बच्चों, ब्रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, और हमें जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड मिल रहा है बच्चों वो पहला ही मिल रहा है, रेमिनिसेंट, यहाँ पे रेमी ने नहीं होगा, एन ए नहीं होगा बच्चों, एन आई होगा, रेमिनिसेंट मतलब होता है याद करना, किसी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, और आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन, अ पेंटिंग कंपटीशन वाज हेल्ड इन द कॉलोनी एंड काव्या डैश विनर इन द एज ऑफ 3 to 5 years, और यहाँ पे सीधे सीधे आपको डिक्लेयर्ड मिल रहा है, मतलब उसे घोषित किया गया, डिक्लेयर्ड किया गया, विनर डिक्लेयर्ड होता है बच्चों, विनर घोषित किया जाता है, इस तरह से डिक्लेयर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, करेक्ट एक्टिव फॉर्म हमें सेलेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी पैसिव दिया हुआ है और बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी, वाज बीइंग वर बीइंग है, सीधे सीधे बीइंग हटा दीजिए और जहां पे वाज वर मिल जाए, चूंकि वाक्य का ऑब्जेक्ट है द बाय द पोलिस, तो पोलिस के साथ जो है बच्चों वाज का प्रयोग होगा, और सीधे सीधे जहां पे वाज मिल जाए द पोलिस वाज, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। और थर्ड नंबर ऑप्शन मिल रहा है द पोलिस वाज, वाज के साथ एक्टिव वॉयस में ing का प्रयोग होता है, तो रिमूविंग द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, इस तरह से बच्चों थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा बच्चों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, एक बार बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।